अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सना असलम। आज आप लोगों के साथ एक मैं नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बना रहे हैं कढ़ी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोगों के प्यार मोहब्बत की बहुत ज़्यादा जरूरत, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखेंगे, मैंने ऑयल ले लिया है, ये एक प्याली बेसन है एक पाव के करीब, ये दही मैंने ले लिया, ये लहसुन अदरक ले लिया, ये मैंने प्याज कलर कर दिए और ये कड़ी पत्ते मैंने ले लिए हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम ऑयल डालते हैं पहले। ऑयल डालूंगा इसमें, अब हम इसमें ये कड़ी पत्ता डाल देंगे। ये थोड़ा सा घी में अच्छे से पक जाए। ये मैंने बेसन ले लिया है, इसमें हम दही डाल देंगे और प्याज के करीब आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा कढ़ी। ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत अच्छी बनती है। पानी चालू कर देंगे थोड़ा, देखेंगे हमारा कढ़ी पत्ता लाल है, उसमें प्याज भी डाल देंगे। तब अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये हम डाल देंगे। ये हम घी में अभी ये लाल करते हैं थोड़ा सा, ताकि इसमें अच्छे से खुशबू आने लग जाए। हम हल्दी डाल देंगे बहुत ही स्पून, इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा डलती है। लाल मिर्च डाल देंगे, हल्दी शामिल कर देंगे। ये देखेंगे अच्छे से, इसमें ये थोड़ा सा मिर्ची अच्छे से भून जाए घी में, घी में अंदर के भून जाए, थोड़ा सा हम पकाएंगे इसको। और हम ये देखेंगे, मैंने इसको ऐसे कर लिए दही में और बेसन में, अब हम ये डाल देंगे। पानी भी शामिल करते जाएंगे, हिलाते जाए और पानी आप शामिल करते जाए, चमचा घुमाते जाए। देखें ये मैंने पानी डाल दिया थोड़ा, और अभी ये पूरा जब हम पानी का डाल दिए, क्योंकि हमें इसको पकानी है आधा घंटे के लिए, तो हमें पानी ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। ये मैंने पूरा एक जग पानी का इसमें डाला है, और जब तक बॉयल नहीं आएगा हम इसमें चमचा चलाते रहेंगे। अगर आप चमचा छोड़ देंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी, बेसन की बिठाने टाइप बन जाएंगी, तो हम चमचा इसमें चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल ना आए। सही से मिक्स भी हो जाएगा और बॉइल भी आ जाएगा इसमें। अब इसमें नमक शामिल कर देंगे, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। समझे कि मैंने 1.5 टीस्पून डाला है नमक खाने वाला। अभी हमें हल्के हल्के ऐसे ही चमचा चलाना होगा जब तक इसे बॉयल नहीं आता है। आप लोग ज़रूर ये ट्राई करिएगा, ज़रूर ये बनाइएगा, बहुत अच्छी बनती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स बताइएगा आपको मेरी कढ़ी कैसी अच्छी लगी। ये देखेंगे इसमें बॉयल आ चुका है, ये अच्छे से पक गई है।
इसमें बॉयल आ गया, अपने इसको एकदम स्लो आंच पे इसको आधे घंटे के लिए मैं पकाऊंगी। वही मैं इसकी फ्लेम कम करती हूँ, इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, आधे घंटे तक ये पक जाए फिर मैं आपसे। माशाल्लाह कितनी अच्छी सी कढ़ी बन गई है, हमारी रेडी हो गई है। ये मैंने आधे घंटे से थोड़ा सा ज्यादा ही इसको पकाया। आपको पता है कढ़ी जितनी अच्छी बनेगी उतनी मजे की बनेगी, अगर आप इसको देर तक चढ़ाएंगे ना, 1-2 घंटे पकाएं तो उसमें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये हमारी तैयार हो गई है माशाल्लाह, ये पक्की हमारी रेडी हो गई है। अब हम पकौड़े तैयार कर लेते हैं। ये देखेंगे मैंने बेसन ले लिया है, पकौड़ों के लिए हम पकौड़े बनाएंगे। ये मैंने प्याज कट कर लिया, इसको ये हरी मिर्ची मैंने चॉप कर ली है, ये हम डाल देंगे। ये अजवाइन है आधा चम्मच, ये हम डाल देंगे। आपको पता है कि बेसन में हमेशा अजवाइन डाला करें, उससे सही रहता है। ये जीरा 1 टीस्पून ये डाल देंगे। ये साबुत धनिया मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, ये डाल देंगे हम। ये मीठा सोडा है, ये हम डाल देंगे। देखिए 1 टीस्पून ये डाल दिया। अब हम नमक डाल देंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाले। हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे, इसको हम मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। ये देखिए ये मैंने बेसन बोल दिया इसका, हमने बात ठीक कर रखा है। ये वो मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी फूट रही है। देखें माशाल्लाह, देखें कितना अच्छा कलर आया है, अच्छे से फूल रही है। ये देखें आप, और अंदर से एकदम ये सॉफ्ट होंगे। ये हम बनाते जाएंगे और कड़ा इसमें इसमें डालते जाएंगे हम कड़ी में इसको। रेडी हो गए, हमें जाते हुए हमें ये हम बनाते जाएंगे, कढ़ी में डालते जाएंगे। और कढ़ी अभी मेरी सिलो आंच पे पकी रही है, बन नहीं किया मैंने इसका चूल्हा। देखिए इसको ज्यादा नहीं बनाना, बस इतना ही रखना, क्योंकि आपको पता है कढ़ी है तो इसमें ज्यादा सिक्के वैसे नहीं लगे। देखिए तो ना माशाल्लाह हो गए, ये अंदर से एकदम सॉफ्ट होंगे। ये अभी मैं पकते हैं तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी। ये अंदर से माशाल्लाह की अच्छी खुशबू आ रही है इनकी। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा, जरूर इसको बनाइएगा कढ़ाई को। ये देखिए हम ऐसे ही बनाते रहेंगे, वो मैंने वापसी डाल दी, बनते जा रहे हो, मैं कढ़ी में डालती जा रही हूँ। Thank you.
ये सारे हो गए हमारे पकोड़े रेडी हो गए, मैंने सब कढ़ाई में डाल दिए हैं। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसको। देखें मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखें एकदम अंदर से ज्यादा नहीं है। देखिए हमारे सारे पकोड़े डल गए, अब हम बगार डाल लें। मैंने गोल मिर्च ली है, ये कड़ी पत्ते लिए हैं जी, ये देखिए ये हमने जीरा डाल लिया इसमें थोड़ा इसका और बहुत गरम। ये देखिए बगार हमारा रेडी हो गया, अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। माशाल्लाह की अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी सी बनी है, देखें ये हमारी कढ़ाई रेडी रेडी हो गई। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें ये इसकी फाइनल लुक, देखें आप लोग कितनी अच्छी बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर कमेंट्स बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।